हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके अपने किचन में सुजाता मैजिकल मोमेंट्स। तो जैसा कि आपको देख के पता चल ही गया होगा कि हमारी आज की रेसिपी है क्या, तो हमारी आज की रेसिपी होने वाली है क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी। ये देखिए कितना ये क्रिस्पी है, खाने में बिल्कुल टेस्टी और बहुत ही क्रंची। तो इसके लिए मैंने छोटे साइज के भिंडी लिए हैं थोड़े से, जिसे कि मैंने धो के अच्छे से कपड़े में पोंछ के इसके सुखा लिया है। 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, थोड़ा सी अजवाइन लिया है और थोड़ी सी ये गरम मसाला पाउडर है, ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चिली फ्लेक्स का भी यूज करें, थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार नमक और ये हल्दी पाउडर और ये लेमन जूस, 1 नींबू का जूस मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले भिंडी के ऊपर और नीचे के पार्ट को कट कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद इसे बीच से इस तरह से कट लगाएंगे, उसके बाद इसके पार्ट्स जो हुए दो उसे 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम इस तरह से दोनों पार्ट में इस भिंडी को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया, ये देखिए छोटे साइज के भिंडी लेंगे ना तो आपके ये भिंडी की जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसी तरह से पहले काट कट कर ले, पहले ऊपर और नीचे का भाग को हटा ले, उसके बाद इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर ले। तो ये यहाँ पे ये देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब हम इसके बीज को निकाल लेंगे, मतलब बीच वाला पार्ट हमें निकाल लेना है। तो आप हाथों की सहायता से भी निकाल सकते हैं, बड़े ही इजीली निकल जाते हैं, और नहीं तो आप चाकू की भी मदद लेकर निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, चाकू से भी ये बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो दोनों में ही आप कंफर्टेबल हो रहेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है निकालना, थोड़ी सी भी यहाँ पे परेशानी होगी नहीं। ये देखिए मैं चाकू से भी आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि आपको परेशानी ना हो, जिस जो भी आपको असुविधा लगे वो ट्रिक आप आजमाए। इस तरह से निकाल लेना है हमें। तो काटने में 3 प्रोसेस, पहले ऊपर नीचे का भाग हटाएंगे, फिर कट लगाएंगे, फिर बीज हटाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे सारे प्रोसेस को मैंने पूरा किया। अब एक बॉल लेंगे, बॉल में सारे भिंडी को ले लेंगे जिसे हमने कट करके बीज का भाग हटाया था। अब इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे। तो ये बेसन मैंने लिया, चावल का आटा डालेंगे, जो जो मसाले को मैंने लिया है सभी मसाले को डाल देंगे। आप इसमें हींग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर भी डाला, मैं आपको दिखाना भूल गई थी पर मैंने डाला है। तो मसालों में आप यहाँ पे आप चाहें तो कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं। फिर इस तरह से हमें मिक्स करना है और नमक लास्ट में डालेंगे, पानी का यूज नहीं करें। अब लेमन जूस डालेंगे तो इससे भी लेमन जूस और भिंडी का मॉइस्चर से थोड़ा भिंडी गीला होगा, और नमक डाल के मिलाएंगे ना तो भिंडी खुद ब खुद तलने के फॉर्म में आ जाएगी। पानी अगर यहाँ पे आप डालेंगे तो जो सारे मसाले हैं वो नीचे तले में बैठ जाएंगे, तो हमारी भिंडी अच्छी बनेगी नहीं। तो इस तरह से नमक डाल के आप चलाएँगे तो भिंडी खुद मॉइस्चर छोड़ेगी और तलने के प्रोसेस में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक डाला, पहले मैंने लेमन जूस ही की सहायता से इतना इसे मिक्स किया था तो इसे मॉइस्चर रिलीज हो रहा था। अब नमक डाल के मैंने इसे मिक्स किया। अब पैन लेंगे, पैन में रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम भिंडी को पूरे हाई फ्लेम में तलेंगे, पहले हाई फ्लेम रखेंगे 1 मिनट के लिए, फिर मीडियम करेंगे क्योंकि भिंडी को क्रिस्पी के साथ साथ हमें अंदर से भी पकाना जो है, तो अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे एक साथ बनाएंगे तो ये जल सकती है। तो पहले हाई, उसके बाद बीच में थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और जब देख लें कि भिंडी फ्राई हो चुकी है, कुरकुरी भिंडी लग रही है, मतलब पूरा आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे फाइनली ये तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सारे भिंडी को इसी तरह हमें फ्राई करना। एक बार में बहुत भिंडी नहीं डालें, नहीं तो एक दूसरे में ये चिपक जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी नहीं। तो थोड़े थोड़े से भिंडी को इस तरह से हमें हाथों की सहायता से डालना है कि दोनों ज़्यादा एक दूसरे में चिपके नहीं। और हम फिर इसे थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद जब ये हो जाए तो इसे निकाल लेंगे।
फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2 से 3 मिनट ही काफ़ी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लगभग तैयार है। कलर इसका देखिए कितना प्यारा कलर है। तो इसी तरह हम सारे भिंडी को फ्राई कर लेंगे और हमारा जी होममेड स्नैक्स बिल्कुल तैयार है। आप भिंडी बड़े वाले भी ले सकते हैं, पर छोटे वाले का अच्छा बनेगा। भिंडी यहाँ पे तैयार है, आप यहाँ पे इसका आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए कितने क्रंची क्रिस्पी बने हैं ये, और ये देखिए बिल्कुल ही क्रिस्पी हैं। आपकी इसको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी डिश पूरी हुई, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि आपकी भिंडी कैसी बनी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।